आज मियाँ वाली संस्था का जो मियाँ संस्था है उसने कम्बल वितरण आम आदमी को बेसहारा लोगों को आज कम्बल वितरण रखा है। समय समय पर कई ब्लड डोनेशन है, कोरोना जैसी बीमारी में समाज ने बढ़ चढ़ के भाग लिया, गरीब को राशन बांटने का इस संस्था हमेशा बल्लड़ का अग्रिम पंक्ति में रहा है और मैं समाज के लोगों ने अपने को भी सहारा है और दूसरे को भी मत करिए, ये ऐसा समाज है। आज बल्लड़ में मैं भीकम कॉलोनी में एक सड़क का उद्घाटन करूँगा, उसके बाद आज ऊंचे गांव में मुंजेसर गांव में ऊंचे गांव में इन गांव में भी मेरे कार्यक्रम हैं या उद्घाटन है और ज़्यादा से ज़्यादा जितने जो विकास कार्य रुके हों उसको तेज़ी देना गति देना हमारा काम है। प्रदेश की सरकार मनोहर लाल जी के नेतृत्व में जितने भी विकास कार्य उनको गति के साथ पूरा करना। मंत्री जी, आज प्रधानमंत्री जी भी मन की बात कर रहे हैं, जनता को कितनी अच्छी लग रही है मन की बात, क्या कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो मन की आज बात करी है, नौजवान को साथी कहा है कि नौजवान को अपना रोजगार ढूंढना और जो आज़ादी का 75वां जो महोत्सव मनाया जा रहा है उनको याद दिलाना किस आदमी ने अपने देश के लिए क्या योगदान रहा है और नौजवान साथियों में पूरी ऊर्जा के साथ उत्साह है, सुन रहे हैं मोदी जी देश के बारे में क्या कहना चाहते हैं और मोदी जी ने हर समाज के लिए दिशा देने का काम करा है और मोदी जी ने देश और दुनिया को दिशा दी है, उनकी मन की बात ने आम आदमी को प्रभावित किया। मंत्री, देश के स्वतंत्रता जो शहीद हुए स्वतंत्रता के लिए देश की आज़ादी के लिए देश के स्वतंत्रता संग्राम में जितने साथी हमारे शहीद हुए जिन्होंने अपनी अपने जीवन की समाप्ति हुई और जिन्होंने सब कुछ नौछावर करा उनको आज हमने 2 मिनट का मौन भी रखा है, ऐसे शहीदों को नमन करा है, उनको श्रद्धा सुमन प्रकट करिए कि शहीदों को नमन करिए।